हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स के नाम से आप लोगों का 10th में भी एक चैप्टर आने वाला है, वो भी सेकंड चैप्टर ही होगा। तो यहाँ आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझना है, सीखना है, क्योंकि यहाँ बेसिक्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग 10th में आसानी से इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, इसको आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा केवल चैप्टर का ओवरव्यू होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, NTSC लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है उनको समझेंगे। बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों ने पहले कभी ना कभी पढ़ी होगी, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं यहाँ पे सभी डेफिनेशंस को एक बार आप लोगों को शॉर्ट में रिवाइज करवा दूंगा और उनके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का जितना भी पहले पढ़ा हुआ है वो सारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इसके अलावा दो टाइप्स के टर्म्स होते हैं, एक लाइक टर्म्स होता है, एक अनलाइक टर्म्स होता है, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशियंट्स क्या होते हैं, इन सभी बेसिक डेफिनेशंस को पहले हम समझेंगे। उसके बाद में हम लोग किस पे आएंगे, हमारे पॉलीनोमियल वाले पार्ट पे आएंगे। तो फिर हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, लेक्चर 1 में हमारा कवर अप हो जाए, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इन बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे और पॉलीनोमियल की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर सेकेंड लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। ये हमारा लेक्चर सेकेंड होने वाला है कि पॉलीनोमियल की डिग्री का क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स के पॉलीनोमियल होता है, डिफरेंट टाइप के पॉलीनोमियल्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा हमारा पूरा होगा वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल, किसी भी पॉलीनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो हम इस थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल, ये वाला हमारा फोर्थ लेक्चर होगा कि किसी भी पॉलीनोमियल का जीरो कैसे फाइंड किया जाता है। इसके बाद में ये हमारे तीन लेक्चर्स डिफरेंट लेक्चर्स होंगे। एक डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, किसी एक पॉलीनोमियल को हम दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करना सीखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा, लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा, सॉरी 5। फिर हम रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है इसको पढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर 6 हो जाएगा। उसके बाद में फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी पॉलीनोमियल्स हैं उनको फैक्टराइज करना सीखेंगे, किस मेथड से, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि अभी हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, कौन से लेक्चर में, 7 लेक्चर में। उसके जस्ट बाद में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे किसी भी पॉलीनोमियल का फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, ये हमारा 8th लेक्चर होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 5-6 पार्ट्स में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे। पहले आप लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, यही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में समझेंगे। तो इसके कम से कम में नहीं तो 6 पार्ट्स हैं मैंने लिखे हैं, 6 पार्ट्स में इसको कवर अप करेंगे हम। और उसके बाद में एक बार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों का कवर अप हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन का एक टाइप ऑलरेडी हम यहाँ देख चुके होंगे कौन सा होगा, फैक्टर थ्योरम। इसके बाद में यहाँ 9 to 15 हो सकता है 15 लेक्चर्स तक हों, 15 लेक्चर्स तक हमारे क्या होगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चलेगी। हम एक लेक्चर में 2 या 3 आइडेंटिटीज को कवर अप करेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में डिफरेंट टाइप के फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं, तो 7-8 लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 20 to 22 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर जाके ख़त्म होगा। एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 30 to 40 मिनट की होगी, कोई लेक्चर हो सकता है वो ज़्यादा लेंदी भी हो सकता है। अगर जैसे कि मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल, इसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, तो हो सकता है ये वाला लेक्चर 50 to 60 मिनट्स का भी हो सकता है, वरना ज़्यादातर लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो आप लोगों के 30 to 40 मिनट्स की होने वाली है। ये हमारा आज का चैप्टर का ओवरव्यू हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है,
कि आप लोग क्या करो, एक पूरी प्रॉपर एक कॉपी बना लीजिए, जिसके अंदर सबसे पहले क्या करो, फ्रंट पेज पे कॉपी के पहले पेज पे चैप्टर का नाम डाल के चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं जो जो हमें पढ़ना है उनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, आगे के जो भी लेक्चर्स आप देखोगे उसके बाद में स्टार्ट करने हैं। इससे फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा, जैसे मान लो कि आप लोगों का पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसके बाद में फ्रंट पेज पे आप लोगों ने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है, अब फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा चैप्टर हमारे को दोबारा नहीं पढ़ना है। उसके अंदर क्या होगा, जैसे आप लोगों ने फ्रंट पेज पे बहुत सारे टॉपिक्स लिख, मतलब सभी टॉपिक्स के नाम लिख रखे हैं, तो आप लोगों का जो टॉपिक ऑलरेडी आता है तो उसके ऊपर टिक कर लीजिए कि ये वाला टॉपिक हमें आता है। कोई हो सकता है कि कोई टॉपिक ऐसा हो जो बहुत टफ हो, जो उसको बार बार पढ़ना पड़ रहा हो, तो उसको आप स्टार मार्किंग कर सकते हो। तो जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा उससे जस्ट पहले आप लोगों को उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना है जो स्टार मार्किंग कर रखे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक्स हमारे बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये वाली चीज़, हम हो सकता है कि आप लोग यहाँ से नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग स्कूल लेवल में भी ये चीज़ कर रहे हो, तो आप लोगों को से यही रिक्वेस्ट है कि सभी जगह पे आप लोग ये चीज़ किया कीजिए, जिससे आप लोगों का क्या होगा, एक आइडिया रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को अच्छे से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में हमारे को थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप लोग एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, जिसके अंदर आप लोगों को केवल मैथमेटिक्स का ही वर्क करना है। उसमें यहाँ मैं जो भी क्वेश्चंस करवाता हूँ आप लोगों को, वो सारे क्वेश्चंस पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, उसके बाद में आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से लेक्चर लेके आप लोगों का सारे डाउट्स हैं वो आप लोगों के डिस्कस कर सकें। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।